बांका में बकरी को बचाने में तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार चार लोगों को गंभीर अवस्था में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में सवार सभी लोग मंदिर पूजा के लिए जा रहे थे। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। कार के अंदर फंसे सभी लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना मंगलवार संध्या की है। जानकारी के अनुसार बांका के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत धुरैया नवादा मुख्य मार्ग पर एक बकरी को बचाने के क्रम में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर ही कार के अंदर चालक की दबकर मौत हो गई। वहीं कार के अंदर फंसे चार अन्य लोगों को स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकालकर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर स्थिति को देखते हुए सबों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रजौन थाना क्षेत्र के चकरौसन गांव निवासी पंकज यादव अपनी पत्नी ममता देवी, मां लोको देवी, बहन संजू कुमारी और पथरगामा गांव निवासी रुचि कुमारी के साथ कार में सवार होकर धुरैया नवादा मुख्य पथ के रास्ते योगिनी माता मंदिर में पूजा अर्चना को जा रहे थे। कार चालक के रूप में चंद्रशेखर यादव की पहचान हुई है। धुरैया नवादा मुख्य मार्ग पर डिनवाड़ा मोड़ के पास अचानक कार के सामने एक बकरी आ गई। बकरी को बचाने के क्रम में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर स्पीड से सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिसे देखकर स्थानीय लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे, जिसके बाद लोगों द्वारा कार के अंदर फंसे सभी लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस दौरान कार चालक चंद्रशेखर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुंची। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को मिलते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। सभी का रो रोकर बुरा हाल है। धुरैया थाना अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी चार गंभीर रूप से जख्मी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई कर रही है। भागलपुर में लगातार ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठंड बढ़ने से लोगों के दिनचर्या पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं रोज कमाने खाने वाले दिहाड़ी मजदूरी करने वालों पर ये असर दी सितम ढा रही है। दूर दराज गाँव से काम की तलाश में भागलपुर पहुंचे मजदूरों को ठंड की वजह से काम नहीं मिल रहा। रोजाना अपने पैकेट से भाड़ा किराया लगाकर शहर पहुंचते हैं। दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिलने से बैरंग होकर घर लौटना पड़ता है। सुखदिया बाजार 83 रतनगंज गोपालपुर थाना। काम करने के लिए आए, काम की स्थिति बुरा हाल है एकदम। काम कहाँ है, नहीं मिल रहा है। बाइक से आते हैं 150 रुपया पेट्रोल रोज जला आते हैं, जाते हैं वहाँ से 50 किलोमीटर है यहाँ से। काम नहीं मिलता है, घूम के जाते हैं। परेशानी ज्यादा है, परेशानी तो आई है। खगड़िया जिला से लेबर का काम करते हैं। क्या स्थिति है काम का यहाँ? काम में नहीं सर, 2 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं, 1 दिन मिलता है काम, घूर के जाते हैं। 1 दिन कमाते हैं तो उसे खर्चा चलाते हैं, 4 दिन घूर के जाते हैं। भाड़ा किराया वो 1 दिन कमाते हैं सर, 5 दिन बैठते हैं, 1 दिन कमाते हैं। दिक्कत हो गई, दिक्कत हो रहा है सर। कैसे परिवार चलेगा, क्या करेंगे सर? आते हैं मजदूरी के लिए, मजदूरी नहीं मिलता है, मजदूर मजबूर है, नहीं मिलवे नहीं करता है, काम घूर के चले जाते हैं सर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
कभी फुटबॉलर की और फुटबॉल प्रेमियों की आवाज से गूंजने वाला भागलपुर का ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में अब सिर्फ क्रिकेट का ही शोर सुनाई देता है। भागलपुर में फुटबॉल की स्मिता को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय के कुछ युवा दिन रात मैदान में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन ये सभी फुटबॉलर सरकारी और विभागीय उदासीनता की मार झेल रहे हैं। भागलपुर की एकमात्र फुटबॉल की टीम का कोई सुध लेने वाला नहीं है। फुटबॉल की इस टीम में राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी मौजूद हैं। सभी फुटबॉलरों का सपना टीम इंडिया में खेलने का है, लेकिन इनको खेलने के लिए मैदान तक नहीं है। अगर इन सभी खिलाड़ियों को सरकारी मदद मिले तो देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती को लेकर कुप्पा घाट आश्रम परिसर से गाजे बाजे के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में संत सेवी की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया गया और भव्य शोभा यात्रा आश्रम परिसर से निकलकर तिलकामांझी कचहरी चौक खलीफाबाग चौक स्टेशन चौक कोतवाली थाना नया बाजार आदमपुर खंजरपुर होते हुए पुनः आश्रम पहुंची। वहीं शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। परमजी महाराज की 104वीं पावन जयंती शुभ संध्या पर आज शोभा यात्रा निकाला गया है और कुप्पा घाट से होते हुए तिलकामांझी कचहरी और भागलपुर बाजार होते हुए फिर वापस हम लोग जाएंगे और कल महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज की 104वीं पावन जयंती समारोह मनाया जाएगा और आज उसके पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई है। भागलपुर विद्युत विभाग के द्वारा प्रबत्ती के रहने वाले आटा चक्की मिल व्यवसायी मुन्ना शाह की लाइन पहले अस्थायी तौर पर काटी गई, अब उसे अस्थायी रूप से काट दी गई है। साथ ही उस पर विभाग के द्वारा बिजली चोरी करने का केस भी दर्ज किया गया है। वहीं आटा चक्की मिल व्यवसायी मुन्ना शाह ने कहा कि मेरा मीटर सील है, मेरे तार में कहीं भी फॉल्ट नहीं है, फिर मैं बिजली कैसे चोरी कर सकता हूं? मेरे पर विद्युत विभाग गलत केस दर्ज किया है और मैं जब अपनी बात रखने जा रहा हूं तो मुझे डांट फटकार कर भगा दिया जा रहा है, यह कहीं से सही नहीं है। गौरतलब है कि मुन्ना शाह 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला अभी तक कोई भी बिजली विभाग के अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचे हैं। आज अपने सहयोगियों के साथ बिजली विभाग के खिलाफ पर्वती काली मंदिर से पर्वती चौक तक अर्थी जुलूस निकाला और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मैं और मेरा परिवार सरेआम बीच चौक पर आत्मदाह कर लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिजली विभाग इस पर क्या संज्ञान लेती है। हाँ, आरती जुलूस निकाले थे, आज मेरा चौथा दिन है फंक्शन का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई अधिकारी नहीं आए हैं, मेरे साथ उल्टा मुकदमा कर दिया मेरे पत्नी के ऊपर। आरती जुलूस कहाँ लेके गए? यहाँ काली मंदिर प्रांगण लग से, रंगमंच लग से, पर्वती चौक पर ले गए। तो कोई प्रशासन कोई आया था मिलने आपसे? नहीं, बिजली विभाग से कोई? कोई नहीं। तो आगे क्या रणनीति आप लोग? मजबूर होके ऐसा कर रहा है, भुखमरी पर आ गए हैं, तो सम्मिलित परिवार हो सकता है आत्मदाह भी करने का नौबत आ जाए या आत्महत्या कर लेंगे, इंसाफ नहीं हो रहा। मतलब बिजली विभाग के खिलाफ जो है आप पूरी मुस्तैदी से लड़िएगा? लड़ने का हमको नहीं, लड़ना मैं क्यों चाहूंगा, मैं बिजनेस करता हूं, मेरा रोजी रोटी मार दिया, सरकार रोजगार देती है, यहाँ रोजगार छीना जा रहा है, जबरदस्ती अपने स्टाफ के कर्मचारी को बचाने के लिए। आगे क्या रणनीति है? आगे कल बिजली विभाग बुलाया है, 19 तारीख का लेटर है, अपना प्रतिनिधि जाएगा, मिलेगा, समझौता करेगा, क्या करता है, अगर अपना गलती मेरा कुछ नहीं है, मीटर सील है, मीटर बाहर में लगल है, मीटर बक्सा के अंदर है, बक्सा भी सील है, बक्सा अच्छा है, तो मैं गलत कैसे कर सकता हूँ। 7 संदूक में भर कर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। जैसे शेर से शुरुआत हुई मुजारा की, वहीं किसी शायर ने भाईचारे पर खूब कहा, दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार विभाग सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा आज भागलपुर की टाउन हॉल प्रसाल में फारूकी उर्दू सेमिनार कार्यशाला व मुशायरा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार विभाग, पटना के निदेशक मोहम्मद इमरान ने किया। वहीं सम्मानित अतिथियों में अपर समाहर्ता महफूज आलम, संयुक्त आयुक्त सह सचिव भागलपुर प्रमंडल की वारिस खान, जिला उर्दू भाषा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी कोमल किरण
अलावे दर्जनों पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रथम सत्र में कार्यक्रम की अध्यक्षता तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर कमर जहां ने की। वहीं मंच संचालन मोहम्मद सादिक ने किया। दूसरे सत्र में मुशायरा का आयोजन किया गया। शायरों ने खूबसूरत पंक्तियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर शहीद राजा जमाल, डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान, शब्बीर आलम, अफसा जबी, अरशद मुश्ताक महजबी, अब्दुल कादिर इत्यादि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने रोगे उर्दू सेमिनार कार्यशाला एवं मुशायरा की काफी सराहना की। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे लोगों को कई जानकारियां मिलती रहती है। साथ उन्होंने कहा कि सभी युवक युवतियों को सच्चे लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए, तभी उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल कूद में भी युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के दौरान दर्जनों छात्र छात्राओं को शिक्षा, कला, खेल कूद जैसे विधाओं में बेहतर करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। सुल्तानगंज अगवानी पुल में कार्य करने के दौरान एक मजदूर को सर में चोट लगने पर इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक मजदूर विक्रम तांती के छोटे भाई विनीत तांती ने बताया कि अगवानी पुल के पाया नंबर 6 में हमारे बड़े भाई विक्रम तांती काम कर रहे थे, तभी अचानक ब्रेथ मशीन टूट कर हमारे भाई विक्रम तांती के सर में लग गई, जिससे गंभीर चोट लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज रेफरल अस्पताल में कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर देख मायागंज रेफर कर दिया। वहीं मायागंज से पटना रेफर कर दिया गया। इलाज के लिए पटना जाने के क्रम में रास्ते में ही विक्रम तांती की मौत हो गई। मृतक विक्रम तांती 31 वर्षीय पिता रमेश तांती मिर्जा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दी है। मजदूर की मौत, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या बात हुई? अभी जो है ना, वो पुल के मैनेजर है, सिंगला कंपनी के मैनेजर से बात की तो उन्होंने बोला कि कंपनसेशन के तहत जो भी पैसा बनता है वो हम लोग कंपनी की तरफ से दिलवाने का कोशिश करेंगे। और लेबर डिपार्टमेंट जो है बिहार शताब्दी के तहत 1,00,000 रुपया जो है अनुदान देगी, सबमिट के मिलता है मृतक के आशीष।